हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैंने आपको वॉवल पढ़ा चुका था, अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलता हूँ, चैप्टर 3। जो भी मैंने आपको सब पढ़ा चुका तो वही समझ लीजिए इसका रिवाइज हो जाएगा। इस चैप्टर में सब कुछ मैंने बता चुका तो वो एक नया चैप्टर के तौर पर अब आ गया। तो चैप्टर 3 आप देख सकते हैं, इंटरवेनिंग वॉवल। आप टॉपिक लिखा इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजिशन। इंटरवेनिंग क्या होता है? इंटरवेनिंग मतलब वो वॉवल जो किसी कॉन्सनेंट के बीच में आए, और तो उस वॉवल की पोजिशन क्या होगी। तो आप देख सकते हैं लाइन बाई लाइन पूरा दिया हुआ। देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, इंटरवेनिंग वॉवल्स। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस वॉवल्स साइन व्हेन अकरिंग बिटवीन टू स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स आर रिटन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। मतलब कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ऐसे कोई कॉन्सोनेंट आप ले लीजिए, जैसे गेट लिखा है, ठीक, गेट, ठीक। ये क्या है? गा, ए की मात्रा और टी, ठीक। जी बनेगा और टी बनेगा। इसलिए देखिए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवल आ रही है ना, यही क्या इंटरवेनिंग वॉवल। तो इसकी पोजीशन की कौन सी? सेकंड प्लेस की वॉवल आ रही है, ठीक। तो हम कैसे, जो भी सेकंड प्लेस या फर्स्ट प्लेस की वॉवल आती है तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे फर्स्ट सेकंड प्लेस की है तो हम कैसे गेट लिखेंगे? जी, ये आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक लिखेंगे। ये फर्स्ट स्ट्रोक हमारा है ना, तो इसी के बाद हम वॉवल लगाएंगे, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक लिखा जाता है, ठीक। वैसे अब गॉट लिखेंगे तो जैसे गॉट, ठीक, जी। और ये भी देखिए, हम कहाँ लगाएं? फर्स्ट स्ट्रोक के बाद ही वॉवल लगाएं, ठीक। तो क्या रूल है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस की वॉवल जब भी आती है, ठीक, तो उसको हम आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक लिखते हैं, ठीक। और भाई अगर थर्ड प्लेस की वॉवल आ जाए, जैसे हमने बताया था आपको पहले ही, पूल लिखेंगे, तो ये देखिए थर्ड प्लेस की वॉवल आ गई, ठीक। तो हम ये यहाँ पे हमारी, जैसे यहाँ तो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लिखे थे, यहाँ भी फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लिखे थे, पर यहाँ जब थर्ड प्लेस की वॉवल आती है तो वो सेकंड स्ट्रोक के थर्ड पे लेफ्ट साइड पे चली जाती है वॉवल। तो हम पी बनाए, एल बनाए, तो ऊल हमारा ये हुआ, ठीक। ये ऐसे होता है, ठीक। तो ये देखिए बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड प्लेस की जब भी वॉवल आए तो वो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद वॉवल लगती है। देखिए फर्स्ट स्ट्रोक के बाद वॉवल लगी है, ये भी देखिए फर्स्ट स्ट्रोक के बाद वॉवल लगी है। पर जब वही थर्ड प्लेस की वॉवल आ जाए तो ये सेकंड स्ट्रोक के थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे लगती है वॉवल। ये देखिए सेकेंड स्ट्रोक के लेफ्ट साइड पर थर्ड पोजीशन, ये भी देखिए आप सब देख रहे हैं ना। मतलब ऐसे फर्स्ट सेकंड प्लेस पे तो हम लगाते ही हैं जब फर्स्ट और सेकंड वॉवल की प्लेस मात्रा आती है, और जब थर्ड की आती है तो वह सेकंड स्ट्रोक के थर्ड पोजीशन में चली जाती है, ठीक। कोई भी स्ट्रोक ऐसा बना रहेगा तो ये देख लीजिए रूल, ठीक। अब देखिए कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड मतलब दो अलग अलग वर्ड से मिलकर एक अलग वर्ड बनता है। अब जैसे ईयर एक लिखा है तो हम ईयर ऐसे अलग बना लिए और हम एक अलग बना लिए, तो हम ईयर अलग समझ लिए, बनाए एक अलग, तो इसी को जोड़ दिए तो एक, ए की मात्रा यहाँ आई, ई की मात्रा यहाँ आई, थर्ड प्लेस की मात्रा यहाँ आई, सेकंड प्लेस की मात्रा यहाँ आई, ठीक। और मैंने आपको बता दिया था वॉवल जो होती है वो तीन प्लेस, मतलब जो भी पोजीशन होती है स्ट्रोक की वो तीन प्लेस पे होती है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन, ठीक। ये हमारे जो पहले वाले कॉन्सोनेंट के वॉवल का जो साउंड होता है उसी से हम प्लेस को डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे अगर लिखे हैं बैट लिखे हैं तो बैट में, जैसे हम बैट लिखे हैं बैट, तो बैट में देखिए डैट वाली वॉवल पहले ही आ गई, तो हम प्लेस इसी से, हमारा प्लेस जो होगा इसी से डिपेंड हो जाएगा, ठीक। हमें नेक्स्ट देखना ही नहीं, हमें बस फर्स्ट प्लेस, हमारा जो फर्स्ट वॉवल होता है उसी से प्लेस वो हो जाता, फिक्स हो जाता है, ठीक। ये देख सकते हैं, व्हेन द फर्स्ट साउंड वॉवल इन अ वर्ड इज अ फर्स्ट प्लेस वॉवल द आउटलाइन इज रिटन इन द फर्स्ट पोजिशन। जब देखिए पा, पाम आ रहा है, ठीक, टॉक आ रहा है, गॉट आ रहा है, तो हम देखिए फर्स्ट प्लेस पे ही फर्स्ट प्लेस की सारी वॉवल आ रही है, तो हमारा प्लेस क्या है? अबव द लाइन सब है, ठीक। अब देख सकते हैं हमारे जब सेकंड प्लेस की वॉवल आए, व्हेन द फर्स्ट साउंडेड वॉवल, मतलब जो हम साउंड, पहली जो वॉवल आ रही है उसकी साउंड हमारी जो होगी वो सेकंड प्लेस की वॉवल होगी, ठीक। तो हमारा स्ट्रोक कहाँ होगा? ऑन द लाइन होगा, ठीक। और वैसे जब थर्ड प्लेस की वॉवल साउंड करेगी, पहली जो आवाज उसकी आएगी वो थर्ड प्लेस की अगर साउंड करेगी तो हमारा कहाँ? थ्रू द लाइन आएगी। देखिए थ्रू द लाइन, 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 ठीक। तो हमारा फर्स्ट प्लेस ही डिपेंड करता है कि वो वॉवल कहाँ लगेगी। इसे मैंने आपको अच्छे से पहले ही बता दिया, तो ये बस आपको समझ लीजिए, रिवाइज करके एक समरी हो जाएगा चैप्टर अच्छे से, ठीक। ये सब कुछ अब देखिए, ये सब वर्ड आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेकिंग कैसे बनेगा, मीक कैसे बनेगा, कुक कैसे बनेगा। अब देखिए कुक में देख सकते हैं दो के साथ साथ आ रहा है, तो के बनाए और जो ऊ की मात्रा वो सेकंड प्लेस, सेकंड कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस के लेफ्ट साइड में ऊ की मात्रा लगी हुई है, ठीक। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बस सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, बस एक रिवाइज के तौर पे चैप्टर आ रहा है। अब देखिए पॉल बनाए, पॉल फर्स्ट प्लेस की पहली जो वॉवल होती है वो हमने देख लिया कहाँ आई, अब
फर्स्ट बेस की वावल आई, तो फर्स्ट बेस की वावल आई तो हम अब दी लाइन लिखे, सारी देखिए फर्स्ट बेस की वावल है तो हम सब अब दी लाइन लिखे, सेकंड बेस की सारी वावल है हम ऑन द लाइन लिखे, थर्ड बेस की थ्रू दी लाइन लिखे हैं, ठीक। वैसे ये भी देखिए सेकंड प्लेस की सारी वावल है हमने ऑन द लाइन लिखा, ये भी देखिए थर्ड प्लेस की वावल है तो हमने सारे थ्रू द लाइन लिखा। जैसे वर्ड जोड़ते हैं उस वर्ड में कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप जोड़ते हैं वैसे जुड़ी, दो हो जाए तीन हो कोई मतलब नहीं है। अब ये भी देखिए इधर थर्ड प्लेस की आई वावल इधर, तो सब हमने थ्रू द लाइन लिखा। बहुत ही ईजी होता है शॉर्ट हैंड, बस जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाइए। अब एक्सरसाइज 8 की आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और एक्सरसाइज 9 की प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और 10 भी कर सकते हैं आप आराम से। तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ग्रामर लॉक्स उसको बताऊंगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।